बीजेपी के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव गुरुवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बता दें, पुष्यमित्र भार्गव ने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बाणगंगा निवास पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया। दरअसल विष्णु प्रसाद शुक्ला पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। करीब 3 दशक पहले उनका बोलबाला रहा है। आपको बताते चले, सन 1990 में उन्होंने विधानसभा 2 से कांग्रेस के दिग्गज सुरेश सेठ से चुनाव लड़ा था, जो कि उस दौरान ये चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा था। आपको बता दें, इस चुनाव में सुरेश सेठ ने जीत हासिल की थी, लेकिन खास बात यह है कि विष्णु प्रसाद शुक्ला से हर चुनाव में प्रत्याशी उनसे आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। वहीं भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भी अपनी जीत के लिए आशीर्वाद लेने पहुँचे। इस दौरान भार्गव ने पहले उन्हें हार पहनाया और आशीर्वाद लिया। वहीं विष्णु प्रसाद शुक्ला ने भी उन्हें हार पहनाकर श्रीफल व नेक भेंट कर मुँह मीठा किया। इस दौरान परिवार के भाजपा नेता गोलू शुक्ला भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि विष्णु शुक्ला भले ही भाजपा से जुड़े हों, लेकिन बेटे संजय शुक्ला को भी वे प्रचार के लिए निकलते हैं तो उन्हें भी आशीर्वाद जरूर देते हैं। बहरहाल, भार्गव ने इसके पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन व कैलाश विजयवर्गीय के घर जाकर उनसे मुलाकात की और जीत का आशीर्वाद लिया।